तो हमारा आज का जो इस ताने बाने को लेकर के, हिंदुस्तान के ताने बाने की कला को लेकर के जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, उस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक विषय पर हमने जो बात करनी है, हमारी एक सदस्य जो है जड़ों से जुड़ों की नेहा खेतरपाल इस विषय पर बात कर रही है कि जो हमारा जो ताना बाना, जो हमारी जो हैंडलूम की जो इंडस्ट्री है, जो हमारी खड्डी का, हमारे हाथ के काम का जो इतिहास है हिंदुस्तान का, ये सिर्फ कपड़ा उद्योग से लिमिटेड नहीं है, ये सिर्फ उसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये जिंदगी के बहुत से पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ है। वो खुद जो भी आपके सामने आ रही हैं, वो एक ट्रेंड मेकअप आर्टिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया से, और अपना एक सलून जो है रन करती हैं, शी इज़ ए मेकअप आर्टिस्ट प्रोफेशनली, लेकिन जिंदगी के ताने बाने को आज वो किस तरीके से हथकरघा दिवस के साथ जोड़ती हैं, हम इस पे बात करेंगे। मैं इनवाइट करती हूँ मिसेस नेहा खेतरपाल को कि वो आएँ और इस विषय पर अपनी बातचीत हम सब के समक्ष रखें। नेहा खेतरपाल। थैंक यू एकता। तो आज सभा में मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करना एकता का मेरे ख्याल से अपनी जड़ों से जुड़ने का एक बहुत ही ठोस और इफ़ेक्टिव तरीका है, क्योंकि अभी जैसे जैसे हमारे वक्ता बोलेंगे आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश का मूलभूत व्यवसाय हथकरघा व्यवसाय ही था। तो देश की इस धरोहर को मैं अपने जीवन से कैसे जोड़ती हूँ, इस विषय पर आपके साथ कुछ मिनट बात करना चाहूँगी। जैसे सुबह और शाम एक लय में आते हैं, जैसे ऋतुओं की भी एक लय होती है, जैसे सांसें लय में आती जाती हैं, दिल भी एक लय में धड़कता है, यहाँ तक कि संगीत के साथ स्वर भी जब तक लय में नहीं बंधते आनंद नहीं देते, तो मेरे ख्याल से जीवन की इसी लय को हमारे लोगों ने सूती और रेशमी धागों के ताने बाने में पिरोना सीख लिया था। हैंडलूम या खड्डी पर काम करते हुए कारीगर को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे अलग अलग रंग के धागों को वो लय में इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ टेक्निकली एंड एक्सेप्शनली साइंटिफिक एंड स्किलफुल प्रैक्टिस बाय मोर और लेस वेरी इलिटरेट पीपल। शायद यही विशिष्टता है इस मिट्टी की, वो ऐतिहासिक भरतवंशी भारतवासियों की, कि बाहरी फिजिकैलिटी को कैसे इंटरनलाइज और स्पिरिचुअलाइज करना है, ये हमें शुरू से बहुत अच्छे से आता था। तो इस आउटर वर्ल्ड या यूनिवर्स या सृष्टि या प्रकृति में दिखाई देने वाले पैटर्न्स को एक लय में इस्तेमाल करना, उसे धागों के ताने बाने में कैसे पिरोना, ये हमारे लोगों ने सहज ही जीवंत कर दिया सूती और रेशमी कपड़ों में। जैसे कि एकता ने बताया आपको, मैं बाय प्रोफेशन एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और एक हेयर कलर आर्टिस्ट हूँ। और हमारे देश की हथकरघा कला की धरोहर और विरासत से मेरा प्रोफेशन भी बहुत कनेक्टेड है। वो कैसे कि यूनिवर्स में प्लैनेट्स की मूवमेंट से लेकर अर्थ की रोटेशन तक, बदलते हुए मौसमों से आती जाती सांसों तक, कलियों से लेकर फूलों तक, खड्डी की खड़खड़ से लेकर रंगरेज की हरी नीली पीली लाल सुनहरे रंग की बाल्टियों तक, जब वही एनर्जी या पैटर्न्स या लय या ताना बाना जब तैयार होकर एक सुंदर सी साड़ी या दुपट्टा या लहंगा ओढ़नी बनकर जब किसी क्लाइंट के ज़रिए पहुंचता है मेरे सैलून में, तो एक अजीब सी खुशी छाती है दिल में कि आज मेरी क्लाइंट हमारी सभ्यता का एक जीता जागता हिस्सा लेकर आई है सजने संवरने के लिए, ओढ़ने के लिए। जब 6 मीटर की इसी सभ्यता के टुकड़े को हम अपनी उंगलियों के बीच फंसाकर हर महिला की कद काठी के अनुसार एक नया पोशाक तैयार करते हैं, तो जिंदा हो जाती है एक और
स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। स्वागत हमारे सभी गेस्ट्स का, बहुत बहुत स्वागत। तो जब 6 मीटर के इस सभ्यता के टुकड़े को हम अपनी उंगलियों के बीच फंसाकर हर महिला की कद काठी के अनुसार एक नया पोशाक तैयार करते हैं तो जिंदा हो जाती है भारतीय सभ्याचार की एक और खूबसूरत मिसाल, पारंपरिक वेशभूषा में भारतीय नारी। लेकिन यही काम अगर कोई यूरोपियन या अमेरिकन या कोई कॉकेशियन सो कॉल्ड वाइट पर्सन करता है तो वो बन जाता है एक ड्रेपिंग आर्टिस्ट। ड्रेपिंग, जी हाँ, ड्रेपिंग आपने सुना होगा। ड्रेपिंग यानी कि थोड़ी सी जगह में बहुत सारे कपड़े को लपेटना और समेटना। तो हमारे ग्रामीण इलाकों में आज भी वो महिलाएं और पुरुष जो अलग अलग किस्म की साड़ी, धोती या पगड़ी बांधते हैं, उन्हें पता भी नहीं कि वो क्या कमाल के इंटरनेशनल लेवल के ड्रेप आर्टिस्ट हैं। दुनिया के सबसे प्रख्यात फैशन डिजाइनर्स में से कुछ जैसे कि शनेल, अलेक्जेंडर मकवीन और अब सब्यसाची ने हमारे हैंड वोवन साड़ीज और उनकी ड्रेपिंग को पूरी दुनिया के सामने प्रख्याति दिलाई है। बंगाल की एतपोर साड़ी, आंध्र प्रदेश की नीवी और कपुल्लू, असम की मेखला चौदर, महाराष्ट्र की नवारी, केरला की मोहिनीअट्टम, यूपी गुजरात का सीधा पल्ला, गोल साड़ी, आधी साड़ी, पिकोसू, हल्ला की वो कालीगा और भी बहुत सारी, ये सब हमारे देश के अलग अलग साड़ी पहनने के तरीके हैं। दीज आर द वेरियस ड्रेपिंग स्टाइल्स। क्या है नहीं ये कमाल की कारीगरी? और इसी ताने बाने और पैटर्न या लय की कहानी को जब हम बालों के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो आपको ब्रेडिंग दिखाई देती है। ब्रेडिंग यानी कि चोटी बांधने की कला। इंस्टाग्राम खोलते ही आई गेट फ्लडेड विद ऑल द लेटेस्ट ट्रेंडी रशियन फ्लावर हेयर स्टाइल्स। आपने देखे होंगे, कोई ने यहाँ पर बहुत बड़ा सा फूल बांध दिया, किसी ने यहाँ एक हैट बना दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। You know, but it takes hours and hours of practice and a lot of chemical spray and a lot of other chemicals as well. लेकिन ये देखकर मुझे जो याद आती है वो याद आती है हमारे रामायण और महाभारत सीरियल्स की, जहाँ पर सभी रानी महारानियों के बड़े बड़े इलाबोरेट हेयर स्टाइल्स, उनके कमाल के आभूषण, उनके ऊपर मुकुट, मुकुट के ऊपर लहराता हुआ सुनहरी दुपट्टा, you know? तो मतलब इतने हजारों साल पहले भी हम केश विन्यास कला में बेहद निपुण थे। आजकल इंस्टा पर ट्रेंडिंग कॉर्नरोज यानी हमारी पंजाब की मेडियां, इवन मोर ट्रेंडिंग ड्रेडलॉक्स यानी कि हमारे साधु संतों की जटाएं। यू नो, आप कल्पना कीजिए शिवजी की वो पावरफुल इमेज। उस पावरफुल इमेज का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है उनके बाल, उनकी जटाएं, जटाओं के ऊपर रखा हुआ आधा चांद, निकलती हुई गंगा। एक और इमेज याद कीजिए, नन्हे से माखन चोर कान्हा मक्खन खाते हुए, आधे बाल खुले हैं और यहाँ पर एक छोटा सा जूड़ा बंधा हुआ है। एंड यू नो दैट इज सो मच इन वोग दीज डेज, इट्स अ वेरी फैशनेबल हेयर स्टाइल। बल्कि मेरे विचार से परांदी, हम सब जानते हैं परांदी क्या होता है, तो दुनिया की सबसे पहली हेयर एक्सटेंशन हमारी एक बेसिक सी साइड में पड़ी रहती है जो परांदी, सो दैट वाज द प्रिकर्सर ऑफ ऑल हेयर एक्सटेंशंस। तो जैसे एकता की टैगलाइन है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान उन्हीं निष्कर्षों तक पहुँचा है जिन तक भारतीय वेदांत युगों पहले पहुँच चुका है, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ और बोलने को है भी नहीं। और मेरे ये अदबके से विचार, लिमिटेड नॉलेज और हिंदी और इंग्लिश की यू नो मिक्स्ड सी खिचड़ी को आपने सुना तो उसके लिए थैंक यू।
और धन्यवाद मेरी बड़ी बहन एकता का, जो बार बार ये याद दिला देती है कि दौड़ धूप भरी जिंदगी में, इस क्रेजली फास्ट पेस्ड लाइफ में, अगर सुकून और शांति चाहिए तो अपनी जड़ों से जुड़ो, गेट कनेक्टेड टू योर लैंड, योर कल्चर्स, योर वैल्यूज, और जीवन के हर पहलू को जड़ों से जोड़कर देखो, क्योंकि उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नया सम्मान दिखाई देगा। थैंक यू सो मच।